पोको F1 के लिए बाइकाल OS का लास्ट रिव्यू किए हुए करीब 3 से 4 मंथ के करीब हो चुके हैं टाइम, और कुछ यूज़र जो है काफ़ी टाइम से जो है बोल रहे थे कि बाइकाल OS का रिव्यू कर दो, जिसको मैं फ़िलहाल भाई भौकाल बोलता हूँ हमेशा। तो ये बाइकाल क्योंकि इसके अंदर आपको ऐसे ऐसे फीचर्स मिलते हैं जो कि दूसरी रोम्स में नहीं मिलते। इस रोम पे आपको इतना कंट्रोल है कि आप अब खुद अब इस रोम पे परफॉर्मेंस डाउन करना चाहो डाउन करके यूज़ कर सकते हो, एकदम बिल्कुल हाई परफॉर्मेंस है, बिल्कुल मैक्स पे वो सारी चीज़ें बिल्कुल कंट्रोल आप कर पाओगे। जो कि अभी तो और भी कुछ ऐड हुआ जिनके बारे में आपको अब बताने वाला हूँ कि लास्ट 3 मंथ पहले जो रिव्यू किया था उसके मुकाबले अभी इसमें क्या क्या चेंजेस हुए उनके बारे में। तो वीडियो में लास्ट तक बनी रहिएगा। जैसा कि वाइकाल OS का जो है ये 13.3 का ऑफिशियल एंड्रॉइड 13 बिल्ड है और QPR 3 पे जैसे कि अब बेस्ड आ रहे हैं लेटेस्ट ये भी है। सिक्योरिटी पैच अपडेटेड है 5 जुलाई 2023 का और कर्नल यहाँ पे बाइकाल OS का 13.2 है, पिछले में 13.1 था उस टाइम पे, तो कर्नल अपडेटेड है। और यहाँ पे QS पैनल इसका तो काफ़ी स्मूथ रहता है तो यहाँ पे दिक्कत नहीं है। बाकी ब्लूटूथ पे होल्ड करने पे पॉप अप सेटिंग मिलेगा, हॉटस्पॉट ये सब मिल जाता है। बाकी एडिट के अंदर यहाँ पे सिर्फ एक रिमूव है, यहाँ पे FPS इन्फो तो रिमूव हो गया, बूस्ट का यहाँ पे न्यू ऐड हुआ है। बाकी आपको जितने भी टाइल्स मिलते हैं सेम पहले वाले रहेंगे, उनमें किसी में कोई चेंज नहीं हुआ है। और स्क्रीन रिकॉर्डिंग के अंदर ऊपर इंटायर स्क्रीन और सिंगल ऐप रिकॉर्ड करने का ऑप्शन तो रिमूव हुआ है, बाकी पूरा का पूरा ये जो है सेम रहेगा। और स्क्रीन रिकॉर्डिंग से कोई भी लैग नहीं होता इसके अंदर में, UI आपका पूरा स्मूथ रहने वाला है, इसके अंदर में कोई भी दिक्कत आपको यहाँ पे फिलहाल नहीं मिलता है। वॉल्यूम पैनल सेम रहेगा, इसके अंदर कोई चेंज नहीं। ऐप ओपनिंग एनिमेशन अच्छा रहने वाला है, यहाँ पे भी कोई प्रॉब्लम हालांकि नहीं है। रिसेंट पे बस आइकन पे टैप करोगे तो पहले स्प्लिट स्क्रीन का नेम स्प्लिट टॉप के नाम से था, अब आपको स्प्लिट स्क्रीन के नाम से ही देखने को मिलेगा, जैसे कि अब चेंज हो रहा है ये सब चीज़ें भी। कैमरा सेम है, अपर्चर का ही आता है इन बिल्ड कैमरा इसका, तो GK मैनुअली आप इसके अंदर इंस्टॉल कर लेना, अच्छे तरीके से काम करता है। इसको लेकर के हमें कोई प्रॉब्लम फिलहाल देखने को यहाँ पे नहीं मिलता। और डॉल्बी एटमॉस इसके अंदर मिलते हैं जो कि काम कर रहा है। Wide 1 L1 का सपोर्ट आपको यहाँ पे मिलेगा तो इसको लेके कोई दिक्कत नहीं है। FM मिल जाता है, गैलरी नॉर्मल है बट गूगल फोटो इंस्टॉल करोगे तो अनलिमिटेड स्टोरेज के अंदर मिल जाता है। और गेम स्पेस यहाँ पे दिया गया है जो कि सेम सेटिंग्स के साथ में ही आता है। एंड ओके गूगल ज़रूर यहाँ पे काम नहीं कर रहा है, पहले भी काम नहीं करता था। बाकी आपका डिफ़ॉल्ट म्यूज़िक ऐप प्लेयर जो कि वो आपको मिलेगा, बाकी और यहाँ पे जो है ऐसा कोई चेंज नहीं। बाकी प्ले स्टोर सर्टिफाइड रहेगा और सेफ्टी नेट पास आता है, तो बैंकिंग ऐप को लेके कोई दिक्कत नहीं, बैंकिंग ऐप आराम से यूज़ कर पाओगे। वॉलपेपर स्टाइल के अंदर वैसे वॉलपेपर जो यूज़ कर रहा हूँ मैं डिस्क्रिप्शन पे आपको दे दूंगा। बाकी इसके अंदर वॉलपेपर पहले वाले ही मिलते हैं और लेटेस्ट प्रीव्यू अभी फिलहाल आपको नहीं मिलेगा। कलर्स भी जो यहाँ पे है वही पहले वाले ही कलर्स देखने को मिलते हैं, कलर्स में भी कोई चेंज नहीं है। बट यहाँ पे लॉकिंग जो शॉर्टकट है ये न्यू ऐड हुआ, यहाँ से आप प्रीव्यू भी देख सकते हो, तो ये पूरा आपको न्यू ज़रूर मिल जाता है, बाकी पूरा आपको सेम रहेगा। बाकी लॉन्चर में भी कुछ चेंजेस हुए हैं, जैसे कि होम स्क्रीन में जाते हो तो यहाँ पे पैरालैक्स जैसे शॉर्ट पैरालैक्स सिंगल पेज सेंटर का ऑप्शन थी, ये दो ऑप्शन आपको न्यू मिलेंगे, बाकी पूरा पूरा लॉन्चर वही सेम रहने वाला है और कोई भी चेंजेस यहाँ पे देखने को नहीं मिलता। कॉलिंग के अंदर वैसे कैरियर वीडियो कॉल का बग अभी इसके अंदर अभी भी देखने को मिला है, अभी भी काम नहीं कर रहा है। वाईफाई कॉलिंग वर्किंग है, प्रॉक्सिमिटी सेंसर इसका काम कर रहा है, ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग अच्छे तरीके से वर्किंग है। ब्लूटूथ डिवाइस वैसे मीडिया और कॉलिंग दोनों पे काम कर रहा है तो उसको लेके कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं है। और बैटरी बैकअप देखें तो 2 आवर 50% ब्राइटनेस पे वीडियो प्ले करने के बाद 87% मिला है, पिछले में 88% था, उससे पिछले में भी 87 ही था, नहीं आसपास ये ज़्यादा कुछ खास फर्क आपको देखने को नहीं मिलेगा। चार्जिंग देखोगे तो 67% चार्ज होने में 2 आवर 23 मिनट के करीब का टाइम यहाँ पे लगा है। और बैटरी ड्रेन अगर देखें तो 68% नाइट में था, मॉर्निंग में 67 था, यानी कि ड्रेन में भी हमें सिर्फ 1% का यहाँ पे ड्रेनिंग देखने को जो है मिला है। और अब चलते हैं सेटिंग्स की तरफ, तो नेटवर्क एंड इंटरनेट के अंदर सिम में हम जाते हैं तो यहाँ पे प्रेफर नेटवर्क तो आपको काफ़ी मिलेंगे। वाईफाई कॉलिंग में यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसके अंदर जो है वाईफाई ओनली का ऑप्शन न्यू है और रोमिंग प्रेफरेंस का भी ऑप्शन यहाँ पे पूरा पूरा ये जो है न्यू है, उस टाइम पे ये नहीं था। बाकी हॉटस्पॉट पूरा सेम है, डुअल बैंड आपको मिल जाते हैं, सब सेम रहेगा। प्राइवेट DNS भी सेम ही है, कनेक्टेड डिवाइसेस के अंदर भी सारी सेटिंग सेम है और कास्ट वर्किंग रहने वाला है। और अगर बात करें ऐप्स की तो यहाँ पे भी कुछ चेंज उसे है नहीं, लॉन्चर में जो था ऑलरेडी आपको बता ही दिया हूँ। और वाइकाल OS की अगर बात करें तो स्टेटस बार के अंदर में यहाँ पे ऊपर कहीं पे भी हमें कोई चेंज देखने को नहीं मिलता, ये जो स्टेटस बार वाला सेक्शन है पूरा सेम है। बैटरी स्टाइल भी इसके आपको पहले वाले ही मिलेंगे। बाकी क्विक सेटिंग्स के अंदर हेडर इमेज यहाँ पे न्यू मिल जाता जो कि उस टाइम पे नहीं था, तो यहाँ पे 24 हेडर इमेज हमें देखने को इसके अंदर मिल जाता है। यहाँ पे आगे फ्यूचर में 7 तक कस्टमाइजेशन भी इसका ऐड किया जाएगा जैसे दूसरे रोम पे ऐड हो रहे हैं। बाकी बैटरी स्टाइल QS सेटिंग्स के लिए यहाँ पे न्यू है,
और हैप्टिक फीडबैक जो दिया गया ब्रांड स्लाइडर के लिए, ये यहाँ पे न्यू देखने को मिल जाता है। बाकी फिर यहाँ पे नीचे आते हैं तो यहाँ पे डाटा यूएस था जो कि रिमूव हो गया था, अब डाटा यूएस भी देखने को अभी फिलहाल यहाँ पे नहीं मिल रहा है। और अब बात करें लॉकस्क्रीन की, तो लॉकस्क्रीन के अंदर यहाँ पे क्लॉक फॉन्ट स्टाइल जो है यूज़र इंटरफेस के अंदर था, यहाँ पे मूव हो गया। बाकी इसका डबल लाइन क्लॉक पोजीशन हो गया, क्लॉक साइज़ हो गई है डुअल वाला और स्मॉल वाला, ये तीनों ऑप्शन न्यू हैं। और नीचे फिर यहाँ पे जो वेदर का जो पिक्सल स्टाइल दिया गया है ये आपको न्यू मिलेगा। और बैटरी इन्फो के जस्ट नीचे में लॉकस्क्रीन शॉर्टकट था यहाँ वाला, तो रिमूव हो गया, जैसे कि अब लेटेस्ट ऐड हुआ तो यहाँ वाला रिमूव कर दिया गया है। बाकी फिर नीचे आपको सब कुछ पहले जैसा ही देखने को मिलेगा। और नेविगेशन के अंदर कोई भी चेंजेस नहीं है, बटन में अगर आप जाते हो तो बटन भी पूरी तरीके से सेम ही रहने वाला है। यूज़र इंटरफेस के अंदर अम्बिन डिस्प्ले हमारा पूरा सेम रहेगा। और बाहर में यहाँ पे अगर बात करें तो नेविगेशन बाय स्टाइल सेम है, और यहीं पे लॉकस्क्रीन शॉर्टकट था जो लॉकस्क्रीन के अंदर लॉकस्क्रीन क्लॉक फॉन्ट था जो अब लॉकस्क्रीन के अंदर है। बाकी आइकन पैक के अंदर यहाँ पे कोई चेंज नहीं है। सिग्नल आइकन स्टाइल में एक दो चेंजेस मिले हैं। वाईफाई आइकन के अंदर आपको सेकंड और थर्ड वाला ये आपको न्यू देखने को यहाँ पे स्टाइल मिल जाएगा। बाकी फिर नीचे सिमिलर ही रहने वाला है, इनमें किसी में कोई चेंज हमें नहीं मिलता है। और अब चलते हैं यहाँ पे नोटिफिकेशन की तरफ, तो नोटिफिकेशन के अंदर यहाँ पे ऊपर किसी में कोई चेंज हमें देखने को नहीं मिलता है, पूरा जो है यानी कि सेम ही रहेगा। साउंड के अंदर कुछ चेंजेस है, जैसे कि डिसेबल आपको इनबैंड रिंगिंग का ऑप्शन यहाँ पे न्यू मिल जाएगा, बाकी पूरा सेम है। एंड पावर सेव यहाँ के अंदर परफॉर्मेंस प्रोफाइल और थर्मल प्रोफाइल पहले से ही था यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे आइडल परफॉर्मेंस जो दिया गया है, आइडल थर्मल प्रोफाइल जो दिया गया, दोनों ही यहाँ पे न्यू देखने को मिल जाते हैं। अब यहाँ पे पावर सेवर जो प्रोफाइल है ये भी पूरी तरीके से न्यू है, जिसमें एक्टिव के लिए दिया गया, स्क्रीन ऑफ पे भी सेट कर पाओगे। तो यहाँ से पूरा प्रोफाइल आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो पावर सेवर प्रोफाइल पे, स्क्रीन ऑफ पे कैसा होना चाहिए, स्क्रीन ऑन पे। बाकी यहाँ पे आपका ये फास्ट डिवाइस आइडल ही सेम है, बट यहाँ पे सिल्वर क्लस्टर और गोल्ड क्लस्टर बूस्टर था जो कि रिमूव है, बट यहाँ पे अब आपको न्यू जो है प्रोफाइल एडिटर देखने को मिल जाता है, जिसमें आप यहाँ से जो है पूरा एक एक तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हो पूरा का पूरा यहाँ पे सीपीयू जीपीयू को आप खुद ही कंट्रोल कर सकते हो कि कितना होना चाहिए, किस तरीके से होना चाहिए, पूरा आपके हाथ में यहाँ पे है। आप अपने हिसाब से कितना रखना चाहते हो वो पूरा आप यहाँ पे फुल बिल्कुल परफॉर्मेंस पे फ़ोन रखना चाहते हो वो कर पाओगे, बिल्कुल लो रखना है, बैटरी बचाना है, वो सारी चीज़ें कंट्रोल आप यहाँ से कर पाओगे। तो ये पूरा कंट्रोल आपको यहाँ पे मिल जाता है इसके अंदर में, तो प्रोफाइल आप यहाँ से एडिट कर पाओगे। इसकी सभी के लिए आपको ऑप्शन मिल जाते हैं, सभी के सेक्शन बने हुए हैं, चाहे आपका परफॉर्मेंस हो या फिर आपका बैलेंस हो, सभी मोड के लिए मिल जाएंगे वहाँ पे, तो वो न्यू रहेगा। बाकी स्मार्ट ट्रस्ट सेम है, यहाँ कोई चेंज नहीं। मिसलेनियस के अंदर में यहाँ पे बाईपास जो चार्जिंग स्मार्ट चार्जिंग जो दी गई है इसमें आपको इग्नोर जीरो बैटरी का ऑप्शन यहाँ पे न्यू मिल जाता है, जिसमें डू नॉट शट डाउन और जीरो बैटरी का ऑप्शन मिलता है, ये ऑप्शन बस न्यू है, बाकी के ऑप्शन सेम रहेंगे। नीचे फिर यहाँ पे अलाउड डाउनग्रेड का जो ऑप्शन है यहाँ पे एप्लीकेशन के लिए, ये एक आपको ऑप्शन यहाँ पे अब न्यू मिल जाता है। बाकी के जितने हैं वो सब पहले ही वाले देखने को मिलेंगे यहाँ पे। और फिर ऑप्शनल यहाँ पे सर्विसेज के अंदर ये पूरा का पूरा सेम है, डॉल्बी एटमॉस मिल जाएगा, जेम्स डीएसपी और ऑडियो एफएक्स को आपको इनेबल करना होगा। तो इनेबल करने के बाद एक बार डिवाइस रिस्टार्ट कर लेना, जो कि पिछले में भी बताया था कि डिवाइस रिस्टार्ट करोगे तभी आपका ये वर्किंग रहेगा, नहीं तो एप्लीकेशन जो ऐप डोर पे शो करेगा वो क्रैश कर जाता है, इसलिए रिस्टार्ट कर लेना डिवाइस। बाकी बैटरी के अंदर सेटिंग्स के मामले में बिल्कुल भी चेंजेस नहीं है, लेकिन हाँ न्यू चार्जिंग एनिमेशन आपको ज़रूर अब देखने को इसके अंदर मिलने वाला है। जब फ़ोन आप चार्ज करोगे तो स्टेटस बार पे आपको न्यू चार्जिंग एनिमेशन मिलेगा। और साउंड एंड वाइब्रेशन के अंदर लिंक रिंग एंड नोटिफिकेशन वॉल्यूम का ऑप्शन न्यू है। बाकी मीडिया में अब आपको प्ले पॉज पे बेब एनिमेशन देखने को मिल जाएगा, जो कि पहले नहीं मिला करता था। और यहाँ नीचे कहीं कोई चेंज है नहीं। बाकी फिर यहाँ पे डिस्प्ले के अंदर आपका लॉकस्क्रीन में यहाँ पे लॉकस्क्रीन शॉर्टकट ही है न्यू, बाकी तो आपका पूरा सेम है। और डार्क थीम ये सब जो है नीचे आपको जितने भी सेटिंग्स मिलती पूरी सेम रहेगी, इनमें किसी में कोई चेंज नहीं है। सिक्योरिटी के अंदर भी हमारा जो ऐप लॉक है सिस्टम एप्लीकेशन को सपोर्ट करता है, तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। और मोर सिक्योरिटी की अगर बात करें तो ये रोम इनक्रिप्टेड आता है, मैं डिक्रिप्ट करके यूज़ कर रहा हूँ। बाकी इनहैंड पिन प्राइवेसी का ऑप्शन हमें यहाँ पे न्यू देखने को मिल जाता है, इससे जैसे कि आपका एंटर करते टाइम पिन एनिमेशन डिसेबल रहता है और ऊपर नंबर भी हाइड रहता है, तो इस तरीके से आपका काम करेगा, जो कि लेटेस्ट अभी ऐड हुआ है। और फिंगरप्रिंट फेस अनलॉक काफ़ी अच्छे से काम करता है, इसको लेके कोई भी दिक्कत यहाँ पे नहीं है, इसका रिस्पांस आपको अच्छा मिलेगा, फेस अनलॉक आईआर वाला ही है, तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम इसको लेकर के फिलहाल नहीं रहेगी। एंड सिस्टम की तरफ जाते हैं तो जेस्चर के अंदर यहाँ पे सिस्टम नेविगेशन में पहले 2x10 नेविगेशन रिमूव था, बट वापस अब आपको देखने को मिल जाएगा। बाकी इसके सेटिंग में कोई चेंज यहाँ पे नहीं हुआ है, अभी एरो जो है फिलहाल बैक वाला पुराना ही वाला ही मिलता है यहाँ पे हमें, बाकी और यहाँ पे कोई चेंज ऐसा है नहीं। बाकी हाइड नोच आपको डेवलपर ऑप्शन पे देखने को मिल जाएगा। अब बात करें यहाँ पे एंटूटे स्कोर की, तो 5,06,000 मिला है, पिछले में 4,32,000 था। जैसे कि अब लेटेस्ट ऐप पे जो है जीपीयू हमारा जो है लाइट पे काम करता है, और लेटेस्ट ऐप पे 5 लाख प्लस या 5 लाख के आसपास अब स्कोर मिलता है।
वहीं सीपीयू थ्रोलर इस बार जो है 86% मिला और इसका जो जिप स्कोर है मैक्स पे 2 लाख है, एवरेज स्कोर 1,92,000 है। वहीं पिछला सीपीयू थ्रोलर हमारा 83% था और उसका जो जिप स्कोर था मैक्स पे 2,12,000 था, एवरेज स्कोर में 1,86,000 जो है देखने को मिला था। और गीगबेंच स्कोर यहाँ पे जो है सिंगल में 545 मिला और मल्टी के अंदर 2040 मिला है। पिछले में सिंगल स्कोर 537 था और मल्टी के अंदर 2068 जो है देखने को मिला था। अब यहाँ पे गेम स्पेस आपको पहले टाइप का ही मिलेगा, जैसे पहले यानी कि था उसी टाइप से ही देखने को यहाँ पे मिलेगा, तो यहाँ पे ऐसा कोई चेंजेस नहीं है। अगर बात करें यहाँ पे हम ग्राफिक के बारे में, तो ग्राफिक के अंदर जैसे हम यहाँ पे जाएंगे तो ग्राफिक भी जो डिफ़ॉल्ट पोको F1 में आती है वही सेम रहेगी, HDR अल्ट्रा तक स्मूथ पे एक्सट्रीम मिल जाएगा, तो वही सेम है। बाकी गेमिंग परफॉर्मेंस इसका काफ़ी अच्छा रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पे एक तो आपको पूरा कंट्रोल भी मिल जाता है कि परफॉर्मेंस आप किस तरीके से रखना चाहते हो, वहाँ से आप बिल्कुल परफॉर्मेंस पे यूज़ करो गेमिंग के टाइम पे, तो आपको काफ़ी अच्छा जो है परफॉर्मेंस इसके अंदर मिलने वाला है। बाद में आप उसे ऑफ कर दो, डिसेबल कर दो, बैलेंस पे नॉर्मली आप यूज़ करो तो बैटरी भी अच्छी फिलहाल देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पर जो है आपका आपके हाथ में कंट्रोल है पूरा, आपका यहाँ पे परफॉर्मेंस फुल आप कर सकते हो, जो कि इसके अंदर परफॉर्मेंस ऐसी भी अगर बात करें तो काफ़ी अच्छा देखने को मिलने वाला, जो कि पहले भी था। तो यही सारे चेंजेस हैं जो कि अभी फिलहाल हमें इसके अंदर 3 मंथ के बाद जो है ये सारी चीज़ें जो है देखने को मिला है। तो यही था आज की इस वीडियो में, बाकी कोई आपका ओपिनियन है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर कर लीजिए, ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।